नीमच जिले के जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत गिरदोड़ा के सरपंच लीलाबाई नाथूलाल माली प्रतिनिधि ने 168 वोटों की जीत हासिल की है। प्रतिनिधि ने बताया, जनता ने मुझे भारी बहुमत से जिताया है। मेरे गांव की और पंचायत से लगे सभी गांव की जनता का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। क्या कुछ कहा मीडिया के माध्यम से सरपंच प्रतिनिधि ने, देखिए खास रिपोर्ट। नीमच से जिला ब्यूरो पंकज राठौर की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? नाथूलाल माली। कौन सी ग्राम पंचायत से? ग्राम पंचायत गिरदोड़ा है। किस पद से चुनाव लड़े थे? कौन लड़े थे? सरपंच पद से महिला सीट है। क्या नाम है उनका? लीला भाई। आप उनके प्रतिनिधि? हाँ। क्या जनता के प्रति विकास के मुद्दे थे उनके? विकास के मुद्दे ये थे, गाँव में लोगों के घर नहीं आए, मकान नहीं आए, सब त्रस्त थे बिल्कुल। मुश्किल से 5-10 घर आए होंगे 5 सालों में, किसी का कोई विकास नहीं हुआ। और पानी की समस्या मेन है, तो 3-3, 4-4 कुएं होने के बाद भी पानी की समस्या है। तो जनता के बहुत सारे जैसे छोटे मोटे मुद्दे हैं। बहुत सारे हितग्राही ऐसे हैं जिनको शासन की योजनाओं का लाभ मिलता ही नहीं है। तो क्या उनको प्रयास करेंगे आप? बिल्कुल, उनको पूरा विश्वास में लेके काम करा अपने को, तुम्हारा हर काम करेंगे। अच्छा, शमशान घाट में आपके यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं? कुछ भी व्यवस्था नहीं है, बाउंड्री वॉल वगैरह कुछ भी नहीं है, खाली कच्चे पत्थर जमा रखे बस। आप प्रयास करेंगे, टंकी बनाएंगे, वहाँ व्यवस्थित अच्छा बगीचा है सब। गाँव में स्वच्छता के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? स्वच्छता के लिए नाली वाली जो भी है वो बंद है, जो भी चालू है वो करवाएंगे। नल भी बंद पड़े आधे मोहल्ले में, वो भी चालू करवाएंगे। वाल सब खराब पड़े हैं अभी। कितने वोटों से विजय हुई आपकी? 168 वोट से। क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे आप? तो जनता का यही है बस, उन्होंने अपने को जिताया है तो अपन भी उनको पूरा खरा उतरेंगे उन बात पे। क्या प्रत्याशी का नाम? प्रत्याशी लीला भाई नाथूलाल माली।